2022 में एक ऐसा मुकाबला खेला गया था जो कि क्रिकेट इतिहास के T20 का सबसे बेहतरीन मुकाबला था। एक ऐसा मुकाबला जिसने भारतीय टीम की T20 इतिहास की काया पलट कर रख दी थी, जहां जीत की उम्मीद 0% थी लेकिन भारतीय टीम का जज्बा 100% था। भारतीय टीम का एक खिलाड़ी जिसका नाम था विराट कोहली, उसने पाकिस्तान के पूरे 11 खिलाड़ियों को अकेले धोया था। पूरी पाकिस्तान टीम के सामने चट्टान बनकर भारतीय टीम ने सामना किया था। बताते हैं आपको पूरी हाइलाइट्स भारत बनाम पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मुकाबले की। दोस्तों, अगर आप विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली की T20 वर्ल्ड कप की ओपारी आज भी इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी गई है। आगे बताते हैं असली मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। दोस्तों, हारिस रऊफ, शाहिन अफरीदी, मोहम्मद नवाज जैसे बड़े बड़े गेंदबाजों के सामने विराट कोहली ने ऐतिहासिक की सबसे बड़ी पारी खेली थी, जो कि आज तक इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी गई है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम के विराट कोहली को पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा। दोस्तों, भारत बनाम पाकिस्तान के बीच में T20 वर्ल्ड कप 2022 में खेला गया था एक ऐसा महामुकाबला जिसे देखकर हर भारतीय टीम के सदस्य का दिल थमकर रह गया था। दोस्तों, भारतीय टीम इस मुकाबले में एक ऐसी परेशानी से जूझ रही थी जहां से भारतीय टीम की जीत लगभग नामुमकिन सी थी, लेकिन वहां से भारतीय टीम की रन मशीन विराट कोहली ने जो काम किया था वो इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में T20 वर्ल्ड कप 2024 का भारतीय टीम का सुपर 12 का मुकाबला था। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को चुना था। दोस्तों, आप सभी को बता दें, पहले बल्लेबाजी करते इस मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान व बाबर आजम खराब शुरुआत दिलाकर आउट हुए थे, जहां दोनों ही बल्लेबाज 5 रन भी नहीं बना पाए थे। स्कोर कार्ड आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन मध्यक्रम में पाकिस्तान की तरफ से शान मसूद व इफ्तिखार अहमद के बीच में एक साझेदारी पनपी, और अक्षर पटेल जब आए इफ्तिखार अहमद के सामने तो इनके एक ही ओवर में 3 छक्के लगाकर इफ्तिखार अहमद ने एक बड़े लक्ष्य की नींव रखी पाकिस्तान के स्कोर की। जांच मुकाबले में इफ्तिखार अहमद ने 51 रनों की शानदार पारी खेली 34 गेंदों में 4 छक्के व 2 चौके लगाकर, तो उनके साथ शान मसूद ने अंत तक 52 रनों की पारी खेली 42 गेंदों में 5 चौके जड़कर, और कुल मिलाकर पूरी पाकिस्तान की टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर यानी कि 120 गेंदों में 159 रन लगा दिए थे। ऐसे में स्कोर बोर्ड पर तो ये लक्ष्य बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन ये मैदान था MCG का मैदान, जो कि ऑस्ट्रेलिया का मैदान है, जो कि क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा मैदान है। ऐसे में भारतीय टीम को 120 गेंदों पर लगाने थे 160 रन, और भारत की तरफ से भारत के 2 सलामी बल्लेबाज आए जिनका नाम था KL राहुल व रोहित शर्मा। दोस्तों, इस मुकाबले में पहले विकेट KL राहुल की ही गिरी, मात्र 4 रन बनाकर नसीम शाह की गेंद पर KL राहुल 4 रन बनाकर बोल्ड हुए। उनके बाद रोहित शर्मा से बड़ी उम्मीद थी क्योंकि वो भारतीय टीम के कप्तान भी थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। 4 रन बनाकर हारिस रऊफ की इस गेंद पर एच दे बैठे और स्लिप में आउट हुए रोहित शर्मा, ये भी 4 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद आए सूर्या, बैक टू बैक चौके लगाए सूर्या ने, ऐसा लग रहा था कि सेट हो जाएंगे, लेकिन हारिस रऊफ के अगले ओवर की तीसरी गेंद पर बल्ले का एच दे बैठे सूर्या भी और रिजवान ने शानदार कैच पकड़ ली, 15 रन बनाकर सूर्या आउट हुए। फिर मिडिल ऑर्डर में फिर बदल किया भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने, हार्दिक पांड्या से पहले अक्षर पटेल को भेजा, लेकिन विराट कोहली के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं हुए और बीच पिच पर ही ये रन आउट हुए। मात्र 2 रन बनाकर अक्षर पटेल रन आउट हुए। उनके बाद आए हार्दिक पांड्या। दोस्तों, हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के बीच में साझेदारी पनपी, जो काम मध्य क्रम में पाकिस्तान के लिए इफ्तिखार अहमद व शान मसूद ने किया था वही काम इस पारी में हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने किया। दोनों की साझेदारी लाजवाब थी, दोनों की बल्लेबाजी भी लाजवाब थी। एक तरफ से विराट कोहली गेंदें खा रहे थे लेकिन क्लासिक शॉट्स लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या भी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और छक्के लगा रहे थे। दोनों के बीच में पार्टनरशिप अच्छी हो चुकी थी। 200 अंतिम 6 गेंदों पर 16 रनों की दरकार थी। बात आखिरी ओवर तक आ चुकी थी, बात भारत की इज्जत पर आ चुकी थी। सेट बल्लेबाज थे दोनों, हार्दिक और विराट कोहली स्ट्राइक पर, और स्पिन गेंदबाज मोहम्मद नवाज थे गेंदबाज। लेकिन दोस्तों, नवाज ने चालाकी की और पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या को इस तरीके से टॉप एज के चलते आउट करा दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के ऊपर प्रेशर आ गया। 40 रन बनाकर हार्दिक पांड्या आउट हुए। 205 गेंदों पर 16 रनों की दरकार थी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगली ही गेंद पर सिंगल लेग स्ट्राइक विराट कोहली के हाथ में आ गई। 4 गेंदों पर 15 रनों की दरकार थी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, उसकी अगली ही गेंद मोहम्मद नवाज ने इस ओवर की तीसरी गेंद फुल टॉस रखी विराट कोहली को कमर के ऊपर, और विराट कोहली ने इस गेंद पर जड़ दिए 6 रन, और अंपायर ने इधर से इशारा किया कमर के ऊपर कर नो बॉल का। जी हाँ दोस्तों, पर सोने पर सुहागा हो गया भारतीय टीम के लिए। फ्री हिट का 1 रन, छक्के के 6 रन और एक गेंद एक्स्ट्रा मिल गई। और फ्री हिट की गेंद जब नवाज ने फेंकी तो इस गेंद पर भी विराट कोहली ने दौड़कर 3 रन निकाल लिए, यानी कि एक गेंद पर कुल मिलाकर 10 रन आए। 200 अंतिम 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। स्ट्राइक विराट कोहली से चली गई, दिनेश कार्तिक स्ट्राइक पर थे लेकिन वो भी स्टंपिंग आउट हुए। अब एक गेंद पर 2 रन चाहिए थे, रविचंद्रन अश्विन स्ट्राइक पर थे। अगली ही गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को नवाज ने गेंद वाइड फेंक दी और मैच यहीं पर ड्रॉ हो गया। अब एक गेंद पर 1 रन चाहिए था, रविचंद्रन अश्विन स्ट्राइक पर थे। 200 अंतिम गेंद इस तरीके से फेंकी नवाज ने और टॉप एज देकर अश्विन ने सिंगल चुरा लिया, और भारतीय टीम को यह मैच 4 विकेटों से जिताया। दोस्तों, इस मुकाबले में इतने बड़े लक्ष्य तक भारतीय टीम को लाने के लिए सिर्फ एक खिलाड़ी का हाथ था जिसका नाम था विराट कोहली।
दोस्तों इस मुकाबले में विराट कोहली ने 82 रनों की शानदार पारी खेली, वो भी सिर्फ 53 गेंदों में, जिसमें से विराट कोहली ने 4 तूफानी छक्के व 6 तूफानी चौके लगाए। विराट कोहली अगर ये पारी पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे वक्त पर ना आती तो भारतीय टीम में मुकाबला कभी नहीं जीत पाती। ऐतिहासिक क्रिकेट में मुकाबला सालों साल सुनहरे अक्षरों से लिखा जाने वाला है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली को भारतीय टीम का कप्तान वापस से बनाना चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट बताएं। और आप विराट कोहली के लिए इस वीडियो को कितने लाइक करेंगे ये भी कमेंट में जरूर बताते हुए जाएं। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और ऐसी क्रिकेट की खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको भी लगता है कि अकेले विराट कोहली पूरे पाकिस्तान के ऊपर भारी हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 का एक ऐतिहासिक मुकाबला जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 का सुपर 12 का यह मुकाबला था जहां भारतीय टीम पाकिस्तान के सामने उतरी थी। दोस्तों इस मुकाबले की कांटे की टक्कर काफी ज्यादा थी क्योंकि एक वर्ल्ड कप का मुकाबला था और पाकिस्तान की टीम एक बार भी वर्ल्ड कप भारतीय टीम के सामने नहीं जीती थी। दोस्तों आप सभी को बता दें मुकाबला काफी का टक्कर का था जहां इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी को चुना। दोस्तों आप सभी को बता दें पहले बल्लेबाजी करते पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही थी जहां इनके पास कप्तान बाबर आजम शून्य और रिजवान 4 रन बनाकर सलामी बल्लेबाज आउट हुए थे। लेकिन उसके बाद इफ्तिखार अहमद की ताबड़तोड़ पारी, शान मसूद की अर्धशतकीय बल्लेबाजी ने दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार अर्धशतक लगाया और अंत में आकर पाकिस्तान की टीम ने फिनिश काफी अच्छी की, जिसके अंदर पाकिस्तान की टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 159 रन लगा दिए थे 8 विकेट के नुकसान पर। और अब भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ 160 रन चाहिए थे। लेकिन हमेशा की तरह केएल राहुल शुरुआती ओवर में ही इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए। उस वक्त केएल राहुल की फॉर्म हद से ज्यादा खराब चल रही थी, लेकिन उनके बावजूद कप्तान रोहित शर्मा भी वही गलत शॉट खेलकर इस मुकाबले में हरीश रऊफ की 6 गेंद पर 4 रन बनाकर आउट हुए। दोनों ही बल्लेबाज पवेलियन में लौट गए। दोस्तों भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी सूर्य कुमार यादव ने 15 रन लगाए थे। लेकिन 15 रन लगाते ही वो भी हारिस रऊफ की इस बाहर जाती गेंद पर बल्ले का ऐसे बैठे और 15 रन बनाकर कैच आउट हुए सूर्या। उनके बाद अक्सर आए लेकिन हा और ना के चक्कर में गड़बड़ी में आकर वो भी इस तरह से रन आउट हुए मात्र 2 रन बनाकर। 4 विकेट गिर गए भारतीय टीम के मात्र 64 रन पर। फिर आए विराट कोहली और यहां से पाकिस्तान की धुलाई शुरू की किंग कोहली ने। दोस्तों विराट और हार्दिक की बल्लेबाजी को देखकर पूरे पाकिस्तान के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों विराट कोहली ने अपनी करियर की सबसे बढ़िया बल्लेबाजी इसी मुकाबले में की थी। ये शॉट दर्शाता है हारिस रऊफ की 18वीं ओवर की 34 गेंद पर जो छक्का लगाया था विराट कोहली ने, इसे ऐतिहासिक क्रिकेट में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। दोस्तों अपना अर्धशतक पूरा करने के बावजूद भी विराट कोहली ने अंत तक लड़ाई की जहां उन्होंने 3 गेंदों पर 13 रन लगाए, जिसमें नवाज का एक नोबॉल भी था आखिरी ओवर में जो कि ये था। दोस्तों आप सभी को बता दें विराट कोहली ने शानदार इस मुकाबले में 82 रनों की नाबाक पारी खेल कर 53 गेंदों में 4 छक्के व 6 चौके लगाकर इस तरीके से भारतीय टीम को मुकाबला जिता दिया 4 विकेटों से। जी हां दोस्तों विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की पार्टनरशिप, विराट कोहली की अंतिम ओवर में शानदार बल्लेबाजी, जिसके चलते भारतीय टीम ने 4 विकेटों से इस तूफानी मुकाबले को अपने नाम किया। विराट कोहली को अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया और इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन लगाने वाले बल्लेबाज भी खुद विराट कोहली ही थे। दोस्तों आप विराट कोहली की इस ऐतिहासिक पारी को 5 में से कितने नंबर देंगे, हमें कमेंट बताएं। दोस्तों अगर आप विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानता है तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए। दोस्तों भारत और पाकिस्तान दो ऐसी टीमें जब भी आमने सामने आती हैं तो धमाका होता है। एक ऐसा ही धमाका हुआ था T20 वर्ल्ड कप 2022 में जो कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न के मैदान पर खेला गया था। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की तरफ से इफ्तिखार अहमद ने शानदार पारी खेली थी। दोस्तों इफ्तिखार अहमद ने इस मुकाबले में शानदार 51 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। दोस्तों उनके साथ शान मसूद ने अंत तक 52 रनों की शानदार पारी खेली थी। ये दो ही ऐसे बल्लेबाज थे पाकिस्तान के जिन्होंने तूफानी अर्धशतक लगाए थे। दोस्तों अंत में आकर पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते अपने निर्धारित 20 ओवर में 159 रन लगा दिए। अब बारी थी भारतीय टीम की 160 रन के लक्ष्य का पीछा करने की। दोस्तों लगभग 20 ओवर खेले थे भारतीय टीम को 160 रन लगाने के लिए। शुरुआत की बात करें तो हमेशा की तरह केएल राहुल मात्र 4 रन बनाकर इस मुकाबले में नसीम शाह की इस गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। उनके ठीक बाद तेज गेंद को रोहित शर्मा पढ़ नहीं पाए, बल्ले का एज देकर स्लिप में खड़े इफ्तिखार अहमद के हाथों में जाकर गिरी गेंद। रोहित शर्मा हारिस रऊफ के हाथों 4 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद सूर्य आए, 15 रन इन्होंने लगाए लेकिन बाहर जाते